नमस्कार दोस्तों कैसे हैं हैं आप लोग? कितने dangerous propositions लेते जा रहे हैं, वो इस particular news से आपको पता चल रहा है। है है। का कुछ कुछ और और पे पे हो कुछ और रहा है. Farmers protest पे अब एक केस देखने को मिल रहा है जो धर्म की होली किताब है गुरु ग्रंथ साहिब उसकी यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि अपमान हुआ था उस किताब का और उसके चलते एक्टिविटी यहाँ पे हो गई है सुबह पांच बजे पुलिस को एक बॉडी मिली और ऐसा पता चला है कि लखबीर सिंह नाम का एक आदमी था पंजाब के तम तारण डिस्ट्रिक्ट का जिसके हाथ को यहाँ पे काट दिया गया और उसको पुलिस बैरिकेड से लटका दिया गया तीन वीडियोस यहाँ पे सर्कुलेट हो रही है सोशल मीडिया पे जो कि हाईली डिस्टर्बिंग है उनको अगर मैंने यहाँ पे दिखा दिया तो यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस का वायोलेशन हो जाएगा इसलिए सिर्फ न्यूज़ को देखते हैं तो ओवरऑल ये जो तीन वीडियोज़ हैं इनमें यह दिखाया जा रहा है कि एक पर्टिकुलर आदमी खून से सना हुआ पड़ा है उसका हाथ भी कटा है और कुछ निहंग सीख उससे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछ रहे हैं अब सवाल उठता है कि ये निहंग सिक्स कौन है तो ये आपको एक ट्रेडिशनल अटायर दिख रही है निहंग सिक्स की ये इनका ट्रेडिशनल अटायर है 300 साल पुरानी इनकी हिस्ट्री है मुगलों की जब सिखों से लड़ाई होती थी तो उस समय पे सिख गुरुद्वारों की प्रोटेक्शन के लिए इस पर्टिकुलर वॉरियर कम्युनिटी को बनाया गया था मुगलों के अगेंस्ट लड़ाई में निहंग्स की एक काफी रिच मिलिट्री हिस्ट्री है लेकिन यहाँ जो नियंग सिक्स का नाम है वो थोड़ा गलत एक्टिविटी में आता पूरी एक्टिविटी हुई है? तो जो नाम की जगह है वहां पर पूरी, पूरी, पूरी एक्टिविटी हुई है ये हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर पे पड़ती है सिंघू नाम की जगह तो सोचिए प्रोटेस्ट फार्म लॉस के अगेंस्ट और यहाँ पे हो क्या रहा है यहाँ पे हाथ काटा जा रहा है एक लेबर का जो इस प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज कर रहा था ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है संयुक्त किसान मोर्चा संयुक्त किसान मोर्चा ने अपने आप को बिल्कुल साइड कर लिया है उन्होंने बोल दिया कि ना हमारा निहंग सिक्स के साथ कोई लेना देना है और ना ही इस पर्टिकुलर लखबीर सिंह नाम का जो पर्सन है जिसकी यहाँ पे आप कह सकते हैं हाथ काटा गया मारा गया है अभी देखिए प्रूव नहीं हुआ है कि यह निहंग सिक्स ने मारा है प्राइम ऑफ एस ऐसा बताया जा रहा है कि मारा हो उन पर्टिकुलर वीडियो के हिसाब से हालांकि उन विडियो से साफ साफ बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि नहीं भाई उन्होंने ही मारा है कुछ तो ये भी बोल रहे हैं कि उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम कर ली है तो ये जो संयुक्त किसान मोर्चा है जो कि अम्ब्रेला बॉडी है फार्मर्स यूनियन की जो कि प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज करवा रही है उनका यह बोलना है कि देखिए सैक्रेलेज गलत है अगर कोई रिलीजियस टेक्स्ट की आप मान करता है तो सही नहीं है बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम सैक्रेलेज के नाम पे उसको मार देना ये भी सही नहीं है तो हम अपने आप को इस इवेंट से अलग करते हैं हम सिर्फ फार्म लॉस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं लेकिन समझिए अब फार्म लॉस आग नहीं पकड़ रहे हैं तो इस प्रकार की किलिंग्स आग पकड़ रही है और ये बिल्कुल भी डिजायरेबल नहीं है एक डेमोक्रेसी के अंदर कि इस प्रकार की आप कह सकते हो खतरनाक और एंटी सोशल चीजें होने लग जाएं। इसको बहुत इमीडिएट बेसिस पे रोकने की जरूरत है और रोकने के लिए फार्मर्स प्रोटेस्ट को रोकना पड़ेगा अब फार्म सरकार का बोलना है कि भाई फार्म लॉज इंप्लीमेंटेशन बंद हो गए सुप्रीम कोर्ट का बोलना है कि फार्म लॉस इंप्लीमेंट नहीं हो रहे हैं तो आप प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो फार्मर्स बोल रहे कि इंप्लीमेंट नहीं हो रहे हैं बट खत्म नहीं हुए हैं। तो आप खत्म कर दो कल के डेट में हमने प्रोटेस्ट खत्म बंद कर दिए और आपने फार्म लॉस फिर से लागू कर दिए तो हमारे लिए इतना मोबिलाइजेशन दोबारा करना मुश्किल हो जाएगा और उसके बीच में नए नए केस उठ के आ रहे हैं अब आप, आप देखिए यहाँ पे क्या हो गया एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की यहाँ पे जान चली गई सेक्रिलेज का केस फार्म प्रोटेस्ट के साथ यहाँ पे जुड़ गया कैसे ये बीच में आया समझ में नहीं आया और इससे इंडिया की इंटरनेशनल इमेज खराब होती फार्मर्स प्रोटेस्ट किस किस वाइड चीजों से जुड़ सकता है और रिलीजन के नाम की जो लड़ाई है ये किस हद तक वॉयलेंट आग पकड़ सकती है वो यहाँ पे पता चल रहा है तो राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार दोनों की जिम्मेदारी यहाँ पे बनती है फार्म लॉस को अब एक प्रायोरिटी बेसिस पे सॉर्ट आउट करना फार्मर्स प्रोटेस्ट को एक प्रायोरिटी बेसिस पे सॉर्ट आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है केंद्र की सरकार ने सीधे सीधे दिखा दिया कि वो सीधे सीधे फार्म लॉस को हटाने वाले नहीं है फार्मर्स भी यहां पे अपने हथियार नहीं डाल रहे हैं और उसके बीच में इस प्रकार की एक्टिविटीज होती जा रही हैं अब ये इंटेंशनल है या अन इंटेंशनल इसके बारे में तो देखिए ज्यादा कुछ बोला नहीं जा सकता बट ये एंटी सोशल है और ह्यूमैनिटी के बिल्कुल अगेंस्ट जाती है लेट्स सी आगे क्या होता है छोटा सा न्यूज था जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो को लाइक और शेयर शिर्गी में जाना अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए गुड बाय